ओ भाई 10 मिलियन व्यूज आजकल आप लोग इतने फूड वीडियोस को देख रहे हो भाई। ये सीक्रेट मसाला है सर का, ये नाम नहीं बता पाएंगे। एयर फ्रायर से गोलगप्पा बना दिया भाई इसने तो। दूसरा वायरल वीडियो में पॉकेट पिज्जा बना दिया इसने तो। ये एयर फ्रायर वाले फूड रेसिपीज बहुत वायरल हो रहे हैं, तो आज हम ट्राई करेंगे मोस्ट वायरल एयर फ्रायर रेसिपी। लेकिन भाई हमारा तो टेक चैनल है माधव, एयर फ्रायर तो है नहीं अपने पास। भाई ऑर्डर कर लो अमेज़न से। मैंने बेस्ट एयर फ्रायर सर्च किया और यहाँ पे फिलिप्स का 9252 आ रहा है। लग तो काफी तगड़ा रहा है, देखने में भी काफी कूल लग रहा है, इसी को ऑर्डर करते हैं। भाई इतना जल्दी डिलीवरी, हम भी अनबॉक्सिंग फास्ट फास्ट कर देते हैं। दोस्तों ये है फिलिप्स का एयर फ्रायर विद टच डिस्प्ले और अमेजोन पे 899 रुपीज का मिला है। और ये एक स्मार्ट एयर फ्रायर है, एक यूजर मैनुअल है भाई। इतने बड़े पेपर में पढ़ के पता चला 2 साल की वारंटी मिलेगी आपको। वैसे बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम है और देखने में काफी एस्थेटिक लग रहा है। इसके हैंडल को ऐसे करके ऐसे निकाल भी लेते हैं बाहर। तो दोस्तों अपना स्टेज रेडी हो चुका है और आज के लिए आपका शेफ भी रेडी है। हमने सारी सामग्री अपनी रेडी रखी है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाली वीडियो से। मैडम गोलगप्पा बना रही है और एयर फ्रायर में सजा दिया, तो अपने हीरो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अब अपना क्या गुंडा बनेगा रे तू, अपने गोलगप्पे भी रेडी कर देते हैं भाई। इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच तेल और इसको मिला देते हैं। वैसे आप लोग बोलोगे भाई फिलिप्स का एयर फ्रायर मैंने क्यों चूज किया। फिलिप्स दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने एयर फ्रायर बनाया था, मतलब फिलिप्स फादर ऑफ एयर फ्रायर है भाई। ये क्या है, तो सिंपली इसको से पकड़ के इसको ऐसे निकाल लेते हैं। और ये वाला ट्रे 4.1 लीटर का है। गोलगप्पा डाल देते हैं भाई इसके अंदर। भाई इसको ऑन करना बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर 7 प्रीसेट्स है, इसको आप ऐसे टाइप करोगे चेंज होता रहेगा। देखो यहाँ से टाइम सेट हो जाता है और यहाँ से टेम्परेचर, लेकिन मुझे चाहिए बस 3 मिनट के लिए, तो मैं नीचे कर देता हूँ। बहुत ही इजी टू यूज है यार, और मेरे स्टूडियो में आराम से फिट हो गया है, कर रहा है, फील हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कुक हो रहा है। और यहाँ से हवा भी आ रही है भाई। इसके अंदर आप हर चीज बना सकते हो राम लोग, बस हर चीज बन जाती है। केक, वड़ा पाव, समोसा बन जाएगा इसके अंदर, पिज्जा बन जाता है जो इस वाले वीडियो में हम बनाएंगे भी, पालक की सब्जी बन जाएगी, इवन के रोस्टेड चिकन बन जाएगा जो मैं सबसे ज्यादा बनाने वाला हूँ। जल्दी हो जाए भाई। वैसे लगा कि भाई शायद बन चुका होगा, खोल के बीच में ही देख सकते हो, टाइमर यहीं पे रुक जाएगा। बीच बीच में अगर देखना है कितना बना तो भी देख सकते हो। टाइम अप। ओके तो अपना गोलगप्पा बन चुका है दोस्तों। यार मैंने गोलगप्पा बना लिया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। और एक गोलगप्पा निकालूं अगर मैं भाई, क्या मस्त कुक हुआ है ये, देखो परफेक्ट भाई, क्रंची बना, क्रंची मस्त वाला। और मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मोस्टली खाने को ऐसे पलटना वलटना पड़ता है, इसके अंदर वो चीज नहीं होती है। क्योंकि इसके बेस के नीचे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे स्टार फिश डिजाइन है, जो दिखता भी स्टार फिश की तरह ही है, और वो हेल्प करता है 360 एयर फ्लो में। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। पेपरोनी पिज्जा पॉकेट बना रही भाई, थोड़ा डाउट हो रहा है भाई उसकी रेसिपी पे, मैं रेसिपी बनाऊंगा। जब मैं प्याज ना हो तो मजा नहीं आता यार। ऑनियन पिज्जा पॉकेट बनाएंगे भाई हम लोग। मतलब बराक ओबामा जी को भी बहुत पसंद है, जब भी आते हैं इंडिया में से पूड़ियां बनवा बनवा के ले जाते हैं। और टमाटर भी काटना पड़ेगा। सबसे पहले भाई ये बड़ा वाला सैंडविच ब्रेड चाहिए होगा, इसको भाई दबाना है ना। पिज्जा सॉस डाल देते हैं थोड़ा भर के, कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल दोस्तों। टमाटर, प्याज और चीज भाई, अंडा लगा लेते हैं चारों तरफ। मैं तो बोल रहा साला मैं तो नहीं खा पाऊंगा, तो नहीं, इसको लॉक कर देता चारों तरफ से। भाई टैलेंटेड तो हूँ मैं नहीं। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें करते हैं हम लोग ऑयलिंग। 1 टीस्पून से भी कम डालेंगे भाई तेल हम लोग। मेक श्योर दोस्तों आप ब्रश यूज करो। अपना 2 पॉकेट पिज्जा रेडी है, 7 मिनट्स के लिए पकने देते हैं। सो पॉकेट पिज्जा अपना रेडी हो चुका बन के भाई, क्या मस्त फ्राई हुआ, एकदम रेड रेड भाई, क्रिस्पी भी है देखो। और मैं खोलता हूँ तो भाई चीज देख रहे हो, वो खा के देखना पड़ेगा। आग लगा दी, आग लगा दी, गर्म है थोड़ा सा, आग लगा दी। लेकिन टेस्टी था। आग लगा दी, आग लगा दी, आग। बहुत रापचिक माल है भाई। भाई ये पॉकेट पिज्जा ये लोग खाओ, पॉकेट में डाल के मतलब खाए। चुप खा, चुप, कैसा लग रहा भाई? एक्चुअल पिज्जा लग रहा है, पूरा खा लो, पूरा खा लो, कोई बात नहीं, समझ गया। दूसरा वाला पिज्जा अच्छे बने खिलाएंगे। आग लगा दी, आग लगा दी, गर्म है क्या, ज़्यादा टेस्ट लगे भाई लोग को। अपन कुक तो बहुत तगड़े हैं भाई, कुछ भी कहो। तुम तगड़े नहीं हो, फिलिप्स का एयर फ्रायर तगड़ा है, इनको भगाओ यहाँ से। लेकिन भाई बात सही है यार, मैंने ये पिज्जा बना दिया, कैसे भाई बिलीव ही नहीं हो रहा। जिसने कभी चूल्हा ऑन नहीं किया भाई, उसने आज एक गजब का पिज्जा बना दिया। इसको करना पड़ेगा साफ, काफी ज्यादा गंदा हो चुका है। इसके अंदर जो डुअल लेयर बास्केट है, इसका एयर सर्कुलेशन काफी मस्त है, इसकी वजह से कोई भी हार्मफुल रेडिएशन ना फूड को इफेक्ट नहीं करते, और उसको क्लीन करना बहुत ही आसान है। हो गया तो सच में फ्लिप्स का ये एयर फ्रायर 9252 बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। 9000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे बहुत ज्यादा वर्थ इट लग रहा है। हमने तो मस्ती कर ली अपने वायरल एयर फ्रायर रेसिपीज को ट्राई करके, और ये रेसिपी यहाँ पे खत्म नहीं होती है भाई। फ्लिप्स का ये न्यूट्री यू करके एप्लीकेशन है, देखो यहाँ पे आप आके अपने एयर फ्रायर को एड कर सकते हो, यहाँ से आप रेसिपीज एक्सप्लोर कर सकते हो। एग इन मफिन कप्स करके रेसिपी है जो आप कैसे एयर फ्रायर से बना सकते हो। प्रिपरेशन 2 मिनट में हो जाएगा, कुकिंग टाइम 11 मिनट में, और 4 लोग का पेट ऐसे भर सकते हो। बहुत ज्यादा रेसिपीज है भाई, और आप एयर फ्रायर की हेल्प से काफी सारा फूड अपने घर बना सकते हो। इस वाले वीडियो को इतना रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। जो बाइंग लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में डाल देंगे, वहां से आप चेकआउट कर लेना। सेल्स में इसके प्राइसिंग और ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और इसी नोट के साथ इस वीडियो को इतना रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।